तो हाय गाइस, मैं सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जूम चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, चैनल पर ना तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए गाइस, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। No dear friend, I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without. तो गाइस, मैंने लाइट रूम को ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए ऑल फोटोज को क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, जो हमारा मॉडल है हम इसे ओपन कर लेंगे। तो गाइस, मैंने मॉडल का फेस को पहले से ही स्मूथ करके रखा हुआ है गाइस। तो गाइस, उस वीडियो का लिंक आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले क्लिक करेंगे इस ऑटो वाला टूल में। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, हमें जाना होगा कलर वाला टूल में। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा मिक्स टूल। एंड इसमें हमें लिमिट सॉरी सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा दूसरे कलर में। एंड इसमें हम लिमिट्स को बढ़ा लेंगे, तो मैं कुछ इतना बढ़ा लेता हूँ, ठीक है अपने हिसाब से। एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा करेंगे माइनस। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा येलो कलर में। एंड इसमें हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड लिमिट्स को कुछ इतना, एंड ही को फुल माइनस कर लूँगा मैं। एंड गाइस, हमें जाना होगा ग्रीन कलर में। एंड इसमें भी हमें सैचुरेशन को फुल बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड लिमिट्स को थोड़ा सा, एंड ही को फुल माइनस कर लेंगे इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा एक्वा कलर में। एंड इसमें भी हमें ही को फुल माइनस कर लेना है एंड सैचुरेशन को प्लस। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा ब्लू कलर में। एंड इसमें हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना, ठीक है। एंड लिमिट्स को थोड़ा सा, एंड ही को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा इस कलर में। एंड इसमें भी हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना, ठीक है। एंड ही को मैं माइनस करूँगा, ठीक है इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा इस कलर में। एंड इसमें भी हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना, ठीक है। एंड ही को मैं कुछ इतना रख लूँगा, तो सॉरी गाइस, इसमें हम सैचुरेशन को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है इतना। लिमिट्स को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। एंड यहाँ से इसको डन कर लेंगे। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा इफेक्ट वाले टूल में। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड टेक्सचर को माइनस, एंड क्लैरिटी प्लस कर लेंगे, एंड डीएच को भी, एंड विगेट को थोड़ा सा करूँगा माइनस कर, तो थोड़ा सा इतना माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, हमें जाना होगा इस ट्राइंगल वाले आइकन में। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड इसमें हम शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, मास्किंग एंड नॉइस रिडक्शन, ठीक है। एंड डिटेल को फुल कर लूँगा इतना। एंड कॉलर नॉइस रिडक्शन को भी इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा इसमें। एंड इसको मैं ऑन कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से इसको डन कर लूँगा। तो देखिए गाइस, हमारा पिक होगा एडिट, और एडिट होने के बाद कितना औसत दिख रहा है। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा इस शेयर बटन में। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर लिखा है सेव टू डैश, तो सेव टू डैश कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारा पिक तो सेव होगा यहाँ। एंड यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से हमें बैक आना है, एंड इसको हमें पिक्स आर्ट में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस, मैं इसको पिक्स आर्ट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है यहाँ से। एंड इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ टूल्स में जाकर। तो यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है इतना। तो यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ मैं। तो इसको मैं कुछ यहाँ पर टू रख लूँगा इतना। एंड यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो यहाँ से रिसाइज हमारा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इतना रख लेता हूँ। एंड यहाँ से डन। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा ऐड फोटो में, और एक पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड फोटो में क्लिक कर लेता हूँ। एंड गाइस, जो हमारा पीएनजी गाइस ऐड हो चुका है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है अपने हिसाब से। तो कुछ इतना एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस अपने हिसाब से। एंड गाइस, हमें जाना होगा इरिजा में। एंड फेस पे आ रहा है गाइस जो जो, उसको मैं थोड़ा थोड़ा मिटा लूँगा, ठीक है इतना। एंड यहाँ से इसको डन कर लूँगा, और यहाँ से भी इसको डन कर लूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा ड्रॉ टूल में। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड गाइस, ड्रॉ टूल में आने के बाद हमें जाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड इस लेयर को मैं नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड फर्स्ट वाले पिक में, मतलब फर्स्ट वाले लेयर में मैं क्लिक करूँगा। एंड यहाँ से एक कट का निशान बनाऊँगा, ठीक है इरेजर में जाके। तो यहाँ से गाइस, मैं इरेजर में चले जाता हूँ। एंड इसकी साइज़ को मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं एक कट का निशान बना देता हूँ। देखिए, यहाँ से छोटा सा कट का निशान बन चुका है। एंड इस फिर जाना होगा यहाँ पे, एंड इस थ्री डॉट में जाकर इसको मर्ज करूँगा, ठीक है। एंड इस पिक को मैं सेव करूँगा इस थ्री डॉट में जाकर यहाँ पे। एंड गाइस, यहाँ पे लिखा है सेव इमेज, तो सेव इमेज कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।